जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपसे दिल्ली के वो 10 मशहूर जगह जिनके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज मैं बताऊँगी वो कौन से टॉप 10 पॉपुलर प्लेसेस हैं दिल्ली के, उनके विषय में विस्तार से बात करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लोधी गार्डन। भारत की राजधानी दिल्ली में सफदरगंज मकबरे और खान मार्केट के पास स्थित एक आकर्षित पर्यटन उत्थान है। दोस्तों इस खूबसूरत लोधी पार्क में सैयद शासक मोहम्मद शाह और लोधी वंश के राजा सिकंदर लोधी की कब्रें बनी हुई हैं। लोधी पार्क को लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इस पार्क का नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया था। फ्रेंड्स नंबर 9 पर आता है नेहरू प्लेस मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक की नंबर 1 दुनिया है नेहरू प्लेस मार्केट में। जी हां दोस्तों, इसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। यहां पर बहुत से 4 तलीय भवन हैं जो एक बड़े से पैदल परिसर में बने हुए हैं, जो एक भूमिगत पार्किंग के ऊपर बना है। नंबर 8, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों मुगल शासक हुमायूं का मकबरा भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित है। इसे मकबरा ए हुमायूं, तर्किश हुमायूं कब्री भी कहते हैं। यह पश्चिम आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा घियाज द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल से प्रेरित होकर के इसका निर्माण हुआ 1569 से 1570 में अकबर यानी हुमायूं का बेटा द्वारा इस मकबरे को मान्यता प्रदान की गई थी। नंबर 7 पर आता है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। जी हाँ दोस्तों, लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। यद्यपि यह किला काफी पुराना है और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी जो दीवारें हैं वो लाल रंग की हैं, इसी कारण इसे लाल किला कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। फ्रेंड्स नंबर 6 पर आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के नए उत्कृष्ट नमूने हैं। दोस्तों यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृति किया गया है। तो यदि आप दिल्ली गए होंगे फ्रेंड्स, आपने कुतुब मीनार ज़रूर ही देखा होगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का या जब कभी भी आप दिल्ली जाएं, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो इतनी मशहूर हैं, पूरा हिंदुस्तान ही क्या इसे पूरा विश्व जानता है, तो ऐसी जगहों पर घूमना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। फ्रेंड्स नंबर 5 पर आता है चांदनी चौक। जी हाँ दोस्तों, चांदनी चौक दिल्ली का सबसे पुराना एवं सबसे व्यस्त क्षेत्र है। यह पुरानी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित है। लाल किला स्मारक बाजार के भीतर स्थित है यह। दोस्तों यह 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसकी जो डिज़ाइन थी दोस्तों उनकी बेटी जहां आरा द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को नहरों द्वारा विभाजित किया गया था और यह भारत के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स नंबर 4 पर आता है इंडिया गेट, जिसे कि मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर यह स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है दोस्तों, जिसे पूर्व में किंगवे कहा जाता था। दोस्तों अब यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, ये एक पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आता है बंगला साहिब गुरुद्वारा। जी दोस्तों, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह अपने स्वर्ण मुंडित गुंबद शिखर से एकदम ही पहचान में आ जाता है। दोस्तों यह नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट नई दिल्ली के निकट में स्थित है। 2 पर आता है अक्षरधाम टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। दोस्तों दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो
फ्रेंड्स नंबर वन पर आता है कनॉट प्लेस। दोस्तों दिल्ली का सबसे बड़ा व्यवसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है। इसका नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। जी हां दोस्तों, इस मार्केट का डिज़ाइन डब्ल्यू एच निकोल और टॉर रसेल ने बनाया था। दोस्तों यहाँ के इनर सर्कल में लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़ों के शोरूम, रेस्टोरेंट और बार हैं। यहाँ किताबों की दुकानें भी हैं जहाँ आपको भारत के बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं, ऐसी किताबें भी यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतनी जानकारी के साथ समाप्त करती हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी आपके कमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।